नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। अपडेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब तक दोस्तों 15 जिलों के नोटिफिकेशन में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों इससे पहले जो है 11 जिलों के नोटिफिकेशन में आप लोगों को बता चुका हूं। वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल इसी यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, प्ले लिस्ट बना रखी है, तो सारे के सारे विद्यार्थी वहाँ जाके देख सकते हो। आज मैं 4 जिलों की फिर से बताऊँगा। इस प्रकार कुल मिलाकर के 15 जिलों का नोटिफिकेशन अब तक जारी हो चुका है और अंतिम तिथि 2-4 दिन के अंदर ही है। इसलिए अभी आज इस वीडियो को ध्यान से देखना और फॉर्म भर देना। चलिएगा दोस्तों, मैं पूरी जानकारी आपको बता देता हूं। तो यहां पर यह नोटिफिकेशन जारी किया था 21 जून को, आप देख सकते हो। अब इसमें योग्यता जो बताऊँगा मैं, पहली वाली जो विज्ञप्ति है अभी 4 जिलों की बताऊंगा, उसमें से पहले वाले जिले की जो भी है उसमें जो योग्यता बताऊंगा वही तीनों आगे वाले में भी योग्यता सेम रहने वाली है। चलिए दोस्तों, पदों का नाम क्या है, तो किस पदों पे ये भर्ती होगी, तो साथीन के पदों पे भर्ती है चारों जिलों में। किसके पदों पे, साथीन के पदों पे भर्ती है। तो ये बात है आप याद रखना। जिला कौन सा है, सिरोही जिले के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि बात करें सिरोही में, सिरोही पंचायत समिति का नाम कहाँ कहाँ निकली हुई है, तो सिरोही में निकली हुई है, शिवगंज में, रेवदर में, पिंडवाड़ा में और आबू रोड, तो इन जगहों में वैकेंसी निकली हुई है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं, अब इसमें जो भी योग्यता वगैरह है वो बता देता हूँ। स्थानीय निवासी होना चाहिए, यानी कि कोई यदि महिला है और महिला की बात बताऊँ तो वो विवाहित है, तो वो विवाह में भी उसका निवास स्थान माना जाएगा और पीयर में भी माना जाएगा, ये योग्यता है। उसके बाद साथीन के पदों हेतु न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए। कौन सी, न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए। और यदि कोई विशेष परिस्थिति है तो 8वीं पास है तो भी चलेगी। कोई विशेष परिस्थिति आ गई है तो वो जो है 8वीं पास का भी फॉर्म चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, इसमें विवाहित महिला और अविवाहित महिला दोनों फॉर्म आवेदन कर सकती है और उनका सिलेक्शन भी होगा। आयु सीमा की बात करें तो जनरल कैटेगरी की जितनी भी लड़कियां हैं उनकी 21 से 40, उनके अलावा जो भी बच गई एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या फिर तलाकशुदा वगैरह विधवा वगैरह जो भी, तो उनकी 21 से 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकती है। समझ गए आप इस एज लिमिट को, ये रहेगी एज लिमिट। उसके अलावा यहाँ पर जो आपको, अब देखो मैंने सारी जानकारी बता दी। अब आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है 10वीं से ऊपर के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब लगाने, ताकि आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिले, आपका सिलेक्शन सबसे पहले हो। इसीलिए आपको क्या करना है, जितने भी आपकी योग्यता है वो सब कुछ लगाना है। बीए बीकॉम जो भी कर रखा है आपने लाइफ में, सब कुछ, आरएससीआईटी वगैरह, पीजीडीसी वगैरह, बीटेक बीए सब कुछ। इस फॉर्म भरने की, सिरोही के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 21 जुलाई शाम को 5 बजे तक। 21 जुलाई शाम को 5 बजे इसकी लास्ट डेट है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसका फॉर्म आपको जो है वेबसाइट में मिल जाएगा, इसी वेबसाइट में मिल जाएगा आपको, जो आंगनबाड़ी वाली है, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है आवेदन ले लेना, ई मित्र में से निकलवा लेना कि ई मित्र वाले भाई साहब आप जो है आवेदन दे दीजिए। तो योग्यता मैंने बता दी, आयु सीमा बता दी, यही आगे वाले में रहने वाले, तो सिरोही की बता दी। चलिए अब आगे में चलते हैं। और आपका जिले का नाम कमेंट कर देना, यदि आपके जिले की वैकेंसी आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा, कोई और विद्यार्थी देख रहे हैं तो। उसके अलावा मित्रों यहाँ पर देखो, कोटा जिले में भी वैकेंसी आ रखी है। कोटा जिले में वैकेंसी आ रखी है, कहाँ कहाँ पर है, तो इटावा में है, मतलब पंचायत समिति का नाम इटावा, लाडपुरा, सांगोद, तो इन जगहों में वैकेंसी आ रखी है। इसकी योग्यता मैंने आपको बताई दी, 10वीं पास है, 21 से 40 वर्ष, 21 से 45 वर्ष, ये सारी जानकारी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बस मैं इसकी लास्ट डेट बता देता हूँ, तो इसकी 22 जुलाई इसकी लास्ट डेट है शाम को 5 बजे। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आपको और भी बता देता हूँ और जिलों में कहाँ पर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर भरतपुर में भी वैकेंसी निकली हुई है सातिन के पदों पर ही विज्ञप्ति जो है यहाँ पर निकली हुई है। इसकी लास्ट डेट कल है, आज 18 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल दोस्तों 19 जुलाई शाम 5 बजे इसकी लास्ट डेट है, यानी कि आपको कल का इंतजार नहीं करना है, आज शाम 5 बजे तक जाके आवेदन कर दीजिएगा। जितने भरतपुर वाले, भरतपुर पंचायत समिति में कहाँ कहाँ वैकेंसी है, पहाड़ी में और कामा में वैकेंसी है, ये पंचायत का नाम देख लो और ये देख लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर योग्यता में थोड़ा बदलाव है। साथ ही हेतु न्यूनतम 8वीं पास यहाँ पर मांगा गया है।
कहाँ के लिए, तो सात इन पदे तु न्यूनतम आठवीं कामा पहाड़ी के लिए मांगा गया है। उसके अलावा दोस्तों सोम का, लाड का, लाडला का, गोसिंगा, धर्मशाला अन्य के लिए दसवीं पास और विवाहित होना अनिवार्य है। दोस्तों थोड़ा सा भरतपुर वाले में बदलाव है जो कि आप देख सकते हो, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको अच्छे से। कामा पहाड़ी वाला जो एरिया है उनके लिए आठवीं पास है और सबके लिए दसवीं पास अनिवार्य है, तथा यहाँ पर इन्होंने एक गड़बड़ लिख रखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ लिख रखा है विवाहित होना अनिवार्य है, जबकि घोषणा हो चुकी है विवाहित होना अनिवार्य नहीं है। यानी कि आप यदि विवाहित नहीं हो और यदि आपके अच्छे खासे नंबर है तो आप फॉर्म भर दो और केस कर देना कोर्ट में, तो काम हो जाएगा आपका, क्योंकि घोषणाएं हो चुकी। घोषणा होने के बाद भी इस प्रकार की हरकत जो है भरतपुर विभाग कर रहा है, तो ये एक इनकी नासमझ समझो या फिर जो है इनसे मिस्टेक समझो, परंतु ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ये गलत है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दो और आवाज़ उठाओ। दोस्तों इसकी आयु सीमा वगैरह वही होने वाली आयु सीमा, तो और इसके फॉरम दोस्तों कल लास्ट डेट है इसकी भी, 19 जुलाई शाम 5 बजे इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, 19 जुलाई शाम 5 बजे इसकी लास्ट डेट है, तो ये आप देख सकते हो। और इसका फॉर्म भी आपको जो है ई मित्र में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लेना और फॉर्म भर देना जितने भी विद्यार्थी है भरतपुर वाले। नेक्स्ट जिले की तरफ चलते हैं दोस्तों, ये रहा आज का अंतिम जिला, ये 15 जिले की वैकेंसी बता रहा हूँ मैं, इससे पहले 14 जिलों की बता चुका हूँ आपको, वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, पड़ी हुई है, ठीक है। ये भी यहाँ पर दोस्तों सातिन के पदों पर भर्ती है, किसके पदों पे, सातिन के पदों पर, कहाँ कहाँ पर है, नागौर में, डीडवाना में, मुंडवा में, नागौर में, ठीक है। तो इन जिलों में वैकेंसी होने वाली है, ये आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट डेट इसकी 21 जुलाई है, 21 जुलाई लास्ट डेट है भाई, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। योग्यता इसमें क्या रहने वाली है, तो योग्यता भी जो है उसमें थी जो दसवीं पास, न्यूनतम 21 से 40 आयु वही रहने वाला है, इसमें और कोई भी बदलाव नहीं हुए। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जो भी जानकारी थी मैंने आप लोगों को बता दी है। जानकारी कैसी लगी, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना, और ये सारी की सारी पीडीएफ, कल की जो पीडीएफ भी नहीं मिली है वो सारी की सारी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप स्टडी आईक्यू अकेडमी में मिल जाएगी। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जवान।